Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 4, शब्द और वाक्य। हमने सबसे पहले पढ़े हैं वर्ण, वर्णों के बाद हमने पढ़ी है मात्राएं। जब हमारे पास वर्ण आ गए, वर्णों से रिलेटेड मात्राएं आ गई, इसके बाद हम क्या बनाएंगे? शब्द। हमारे शब्द की डेफिनेशन क्या होती है? वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। कि शब्द किसे कहते हैं? कि जब एक एक वर्ण हमारे पास मिल जाएगा ना, उन वर्णों को मिलाने के बाद जो अक्षर बनेगा हमारे पास, उसको बोलते हैं हम शब्द। जैसे सार्थक का मतलब क्या होता है? जिसका अर्थ निकलता है। जैसे कह ले मैं कलम, आ मैं आम, इन दोनों का तो हमारा अर्थ निकल रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा है छी मैं ले छीमन। अगर ये मछली होता तब तो इसका अर्थ निकल जाता, बट यहाँ पे इस छीमल का कोई मतलब नहीं निकल रहा, तो इट मीन्स ये सार्थक, मीन्स इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। तो वर्णों का बिना अर्थ का जो समूह होता है वो तो शब्द नहीं कहलाता, पर वर्णों का जो सार्थक समूह होता है ना, जैसे ये दोनों नाम है, इनका अर्थ निकलता है, ये कहलाते हैं शब्द। फिर हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे शब्द कितने प्रकार के होते हैं। हमारे शब्द होते हैं दो प्रकार की। शब्दों के प्रकार में एक होता है सार्थक शब्द और दूसरा होता है निरर्थक शब्द। सार्थक का मतलब अभी मैंने आपको बताया, जिसका अर्थ निकलता हो, कि जिन शब्दों का कोई अर्थ निकलता हो वो होते हैं सार्थक शब्द, और जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकलता हो वो होते हैं निरर्थक शब्द। सार्थक क्या होता है? जिनका अर्थ निकले, और निरर्थक जिनका कोई अर्थ ना निकली। जैसे हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। हमारे घर में कोई आता है तो हम नॉर्मल बोलते हैं, भाई पानी वाणी दे दो, रोटी वोटी दे दो। तो हमने पानी बोला, उस पानी का तो अर्थ निकला, लेकिन वाणी क्या होता है? उसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। रोटी का तो अर्थ निकलेगा, पर वोटी का क्या होता है? उसका कोई अर्थ नहीं निकलता। कार शार, हमारी कार का तो अर्थ निकल रहा है, पर हमारी शार का कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो जिन शब्दों का अर्थ निकलता है वो होते हैं सार्थक, जैसे कि ये, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता वो होते हैं निरर्थक, मीन्स बिना अर्थ के, और सार्थक अर्थ के साथ। जब हमारे पास शब्द आ गए, सबसे पहले वर्ण, वर्णों को जोड़ के हमने शब्द बनाया। जब हमारे पास शब्द आ गए तो उन शब्दों को हमने जोड़ा, और उन शब्दों से हमने क्या बनाया? वाक्य बनाया। तो हमारी शब्द की डेफिनेशन क्या होती है? वर्णों का सार्थक समूह। और वाक्य की क्या आएगी? शब्दों का आर्थिक, सॉरी, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अब सार्थक कैसे? जिसका अर्थ निकलता हो। जैसे यहाँ लिख रखा है मैंने, गाय एक पालतू पशु है, इसका अर्थ निकल रहा है, क्योंकि ये एक शब्द हो गया, ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द है, ये अलग है। तो हमारे पास शब्दों का जो समूह है जिसका अर्थ निकल रहा है, गाय एक पालतू पशु है। एक है राम, इसका क्या अर्थ निकला? हाँ, राम एक है, इसका अर्थ निकलता। तो जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, उनका कोई मतलब नहीं है, तो वाक्य की डेफिनेशन क्या होती है? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। अब आते हैं वाक्य के प्रकार। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? हमारे वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण वाक्य, कि कोई भी बात अगर हम सरल रूप में करते हैं, जैसे वह एक लड़का है, वह खेलता है, वह खाना खाता है, वह सोता है, वे पढ़ रहे हैं, ये तो हुई हमारी साधारण बात। तो किसी भी साधारण बात को या सरल रूप होता है उसका, वो तो कहलाता है हमारा साधारण वाक्य। निषेधात्मक, जैसे आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा है मैंने आपको, निगेटिव मीन्स जिसके अंदर नोट आता है, मतलब ऐसा काम जिसमें न होने का पता लगे, जैसे राम खाना नहीं खाता, मैं स्कूल नहीं जाता, मैं नहीं सोता, वे पढ़ते नहीं हैं। तो जिस वाक्य के अंदर नहीं आएगा वो होता है निषेधात्मक वाक्य, मीन्स कि उसके अंदर ना आया है, नहीं आया है, मतलब वो हमें मना कर रहा है। फिर आता है आपका तीसरे नंबर पे पर्सन वाचक वाक्य। अब मैंने आपको कहा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, भाई जब आपसे कोई पर्सन पूछेगा तभी तो आप आंसर दोगे उसका। तो अगर जब तक आपसे कोई पर्सन नहीं पूछता है आप उसका आंसर नहीं दोगे, और पर्सन पूछने के लिए हमेशा पर्सन के लास्ट में क्या आता है? क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे मैंने आपसे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, तो मैंने तुमसे क्या पूछा? पर्सन पूछा। तुम क्या कर रहे हो, तुमने
क्वेश्चन लिखा या नहीं लिखा, तुमने खाना खाया या नहीं खाया, तुम सोए या नहीं सोए। तो इस तरीके से जिस बात के अंदर हम पर्सन पूछते हैं उसको बोलते हैं पर्सनवाचक वाक्य। तो वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, साधारण जिसमें किसी बात को सरल रूप में बोला जाए, निषेधात्मक जिसको किसी न किसी कार्य के अंदर ना हो, और पर्सनवाचक जिसमें हमसे पर्सन पूछा जाए। सबसे पहले हमने शब्द पढ़ा, वर्णों का सार्थक समूह शब्द होता है। शब्दों के दो प्रकार होते हैं, सार्थक और निरर्थक। इसके बाद आते हैं हमारे वाक्य। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, साधारण वाक्य, निषेधात्मक वाक्य और पर्सनवाचक वाक्य। अब आता है क्वेश्चन अभ्यास। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। वर्ण संयुक्त होकर, जब हमने बहुत सारे वर्णों को आपस में मिला लिया तो हमारे पास क्या बनेगा, शब्द बनेगा। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्दों के मेल से क्या बनता है, जब हमारे पास बहुत सारे शब्द आ जाएंगे, शब्दों से हम क्या बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। इसके बाद आता है निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। ये आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, ये उदाहरण हो गए आपके। आप इस उदाहरण को चाहे मत लिखना, इन दोनों को लिखना, ये दोनों उदाहरण है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है, और ये दो एग्जाम्पल लिख लेना। दूसरा है, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। हमारे शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक। डेफिनेशन लिखने की नीड नहीं, आपको इसके उदाहरण लिखने हैं, ये इसके उदाहरण हैं और ये निरर्थक के हैं। फिर आता है वाक्य को परिभाषित कीजिए और उदाहरण भी दीजिए। ये आपका वाक्य, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, जैसे ये आपके उदाहरण हो गए दोनों। फिर आता है वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, पर्सनवाचक वाक्य को उदाहरण से ही समझाइए। वाक्य आपके तीन प्रकार के होते हैं, ये तीनों वाक्य के नाम लिखने हैं आपको। उसने कहा है पर्सनवाचक वाक्य। अब पर्सनवाचक वाक्य क्या होता है, सबसे पहले निशानी तो पर्सन में क्या होती है, ये क्वेश्चन मार्क आता है हमारे पास। इन वाक्यों में कोई ना कोई पर्सन पूछा जाता है, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रही हो, ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। फिर आता है रिक्त स्थान भरिए। वर्णों के मेल से क्या बनता है, शब्द बनता है, और शब्दों के संयुक्त होने पर क्या बनता है, वाक्य। वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, और शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द दो प्रकार के होते हैं। इसके बाद आता है चित्रों को देखकर वाक्य बनाइए। यहाँ किसान हल चला रहा है, ये लड़का क्या कर रहा है, लड़का साइकिल चला रहा है, सूरज निकल रहा है, माँ क्या कर रही है, माँ खाना बना रही है। इसके बाद आता है निम्नलिखित सरल वाक्यों को पर्सनवाचक वाक्यों में बदलिए। अब आपसे पूछा तो सरल वाक्य है, बनाना आपको पर्सन है। माँ खाना बना रही है, तो पर्सन क्या बनेगा, क्या माँ खाना बनाएगी या क्या माँ खाना बना रही है। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ाएंगे या फिर क्या अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है। मैं कल दिल्ली जाऊँगा, क्या मैं कल दिल्ली जाऊंगा, या फिर मैं की जगह यहां पे लिख सकते हो क्या तुम, क्या तुम कल दिल्ली जाओगे, यहां जाऊंगा की जगह बन जाओगे जाओगे। तुम कल कहां जा रहे हो, क्या तुम कल कहां जा रहे हो, या फिर तुम कल कहां जा रहे हो, क्या से मत बनाओ इसको, तुम कल कहां जा रहे हो। ये है आपका लेसन नंबर 4। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।